हेलो एवरीवन, फ्रूट बॉम्स किचन में आज हम विंटर स्पेशल पंजीरी बनाने जा रहे हैं। हम लोगों ने इसमें एडेबल गम भी डाली है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर आवर बोन्स। पंजीरी बनाने के लिए मैंने आधा किलो देसी घी गरम किया है, इतने बादाम मैं फ्राई कर रही हूँ। पहले हम ड्राई फ्रूट को फ्राई करेंगे। बादाम को मैं निकालना शुरू कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कलर आ गया इसमें। नट्स बहुत जल्दी जल जाते हैं, इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है। हमें जलाने नहीं है, हमें सिर्फ फ्राई करने हैं। इसको बड़ी परात में, जो इसमें हम आटा गूंथते हैं, या बड़ी थाली में निकालते चले जाएंगे। साबुत एक सूखा नारियल लिया जिसको मैंने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया, इसको भी मैं फ्राई कर रही हूँ। वेरी केयरफुली इसको करना है, नट्स बहुत जल्दी जलते हैं। 2 सेकंड्स में ही देखिए कलर आना शुरू हो गया, मैं निकाल रही हूँ। इन सेम परात जिसमें मैंने आलमंड्स निकाले हैं, हमने इसको ग्राइंड भी बाद में करना है, थोड़ा सा सेपरेट करके निकालना है। ये जो आजकल पैकेट बने हुए आते हैं मखानों के, मैं हाफ पैकेट ले रही हूँ। इसको भी फ्राई करेंगे। ये देखिए 2 मिनट्स में कलर आ गए हैं, आपके सामने ही डाला भी मैंने, अच्छा कलर आ गया और मैं इसको निकाल रही हूँ। मैं वीडियो बंद कर रही हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मखाना मैंने निकाल दिए हैं, ये देखिए गोल्डन फ्राई हो गया है, हमें इसे ज्यादा फ्राई नहीं करना है। नाउ आई एम फ्राइंग दिस एडेबल गम, ये जो गूंद बोलते हैं, एडेबल गम बोलते हैं, इसको सबसे पहले हमने फ्राई करना है। एकदम से फूल जाएगी अभी, ये देखिए आपके सामने ही कैसे फूलना शुरू हो गई है। इसको कच्ची नहीं निकालनी, अदरवाइज वो खाने में बड़ी प्रॉब्लम देगा, आपको स्टिक करेगा टीथ पे। गम है, गूंद है, गम की तरह चिपकेगा। इसको सबसे पहले फ्राई करना है, फिर इसको हम क्रश करेंगे। ये मैं वीडियो शॉर्ट नहीं कर रही हूँ, ये दिखाना आपको बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ये देखिए कैसे फूल गया, ये अभी भी कच्चा है नीचे। सारे को पकाना है, अच्छे से फ्राई करेंगे इसको। अब मैं इसको निकालना शुरू कर रही हूँ, अच्छे से फ्राई हो गया, ये देखिए व्हाइट कलर का हो गया। अब मैं इसको निकालना शुरू कर रही हूँ, मैं थोड़े से मैं काजू भी फ्राई कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग योर चॉइस, आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, मैंने बहुत थोड़े लिए, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं इसको। देखिए एकदम से काजू गोल्डन होना शुरू हो गया है, मैं निकाल रही हूँ, बादाम के साथ रख रही हूँ मैं। आप मगज भी डाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। नाउ आई एम एडिंग मोटा आटा, ये चक्की से लिया है, 2 ग्लास मोटा आटा, हाफ केजी हमने घी लिया था, हाफ केजी ही मैं आटा ले रही हूँ मोटा। इसको हम भूनेंगे, आटे को अच्छे से भूनना है। मैंने और घी नहीं डाला है, इतना बहुत है। देखिए हमने इसका कच्चापन दूर करना है आटे का। आटा गोल्डन होना शुरू हो गया है, मैं सिम पे ही कर रही हूँ,
मीडियम फ्लेम से ज्यादा मत करिएगा, नहीं तो आटा जलने का डर हो। सिम पे ही आटा भून रही हूँ, सिम टू मीडियम ही रखिएगा। देखिए ऑलमोस्ट गोल्डन हो गया है, हार्डली फ्यू सेकेंड्स मोर नाउ। आटा ब्राउन हो गया है, देखिए मैंने स्विच ऑफ कर दिया गैस, फ्लेम बंद है मेरे। नाउ ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे, ये मखाना मैंने ग्राइंड कर लिया है, कोकोनट को मैंने पाउडर कर लिया जो हमने फ्राई किया था, दिस इज काजू बादाम एंड इतना मैंने गोंद को भी एडिबल गम को भी ग्राइंड कर लिया। बाकी हम एडिबल गम को ऐसे क्रश कर, इतनी गम को मैंने क्रश कर दिया है, इतने को मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये एडिबल गम मैं भी इसमें भी डाल रही हूँ, क्रश्ड वाली भी, पीसेस मुंह में आते हुए अच्छे लगते हैं क्रश्ड के। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप सारी ग्राइंड कर दीजिए। एडिबल गम इज वेरी गुड फॉर आवर बोन्स। इन सबको हमने मिक्स करना है। दो ग्लास मैंने आटा लिया था, दो ही ग्लास में बूरा डाल रही हूं। आप देसी खांड बूरा कुछ भी यूज कर सकते हैं, अवॉइड चीनी इन देसी चीजें, पंजीरी वगैरह देसी चीजें हमारी, उसमें प्लीज अवॉइड चीनी शुगर। यू कैन यूज जैगरी ऑल्सो बट आई प्रेफर दिस देसी खांड एंड बूरा चीनी। दिस इज नॉट पाउडर शुगर, दिस इज देसी थिंग, दिस इज नॉट रिफाइंड शुगर। मिक्स इट ऑल एंड ये जो आटा हमने भून के रखा है इसको भी हम इसी में डाल देंगे और सबको प्रॉपरली मिक्स कर लेना है। पंजीरी हमारी रेडी है मिक्स करने के बाद, सबको प्रॉपरली मिक्स करना है। ये देखिए कितनी सारी पंजीरी आधा किलो आटे में और आधा किलो चीनी में बन गई है। मिक्स करते मैं थोड़ी सी किशमिश भी डाल रही हूं।